अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही इजी और क्विक क्रीम बनाने जा रहे हैं जो कि आपके डार्क सर्कल्स को एकदम ख़त्म कर देंगे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इनको 30 दिन तक अपने फ्रिज में प्रिजर्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे इधर एलोवेरा। एलोवेरा हमारी इस रेमेडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नेचुरल भी यूज़ कर सकते हैं, आप नेचुरल भी यूज़ करें, लेकिन अगर आप मार्केट का लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी प्रिजर्व करने में आपके क्रीम को बहुत ही आपकी हेल्प करेगा। इधर हमने ले ली हनी। हनी आप रॉ ही यूज़ कीजिएगा और ये आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म करने में ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इवन कि ये आपके जो आई बैग्स होते हैं उनको वापस से नॉर्मल साइज़ में लाती है, जो एक खड्डे जैसे हो जाते हैं आँखों में, तो उसके लिए शहद बहुत ही बेहतरीन है। इधर हम ले लेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपने तकरीबन 2 स्पून तक लेना है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी डार्क सर्कल्स ख़त्म करने में आपकी हेल्प करने के लिए। उसके साथ साथ ये आपके आँखों से जो रिंकल्स होते हैं वो भी ख़त्म कर देता है। आजकल तो यंग लोगों को भी रिंकल्स पड़ रहे हैं आँखों के नीचे, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और साथ साथ जो बड़ी एज वाले हैं उनके भी रिंकल्स ये ख़त्म कर देता है। इधर हमने ले लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में विटामिन के होता है जो कि आपकी स्किन टोन को नॉर्मलाइज और इक्वलाइज करता है, साथ साथ आपके डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करता है और जो इनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है वो नरिश भी करती हैं आपकी स्किन को और आपकी जो स्किन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सब प्रोवाइड करती है। इधर हम ले लेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई के आपने 2 कैप्सूल लेने हैं गोल्डन वाले, और ये आपकी आई बैग्स को अगेन ये भी ट्रीट करता है। उसके साथ साथ इसका जो ऑयल है उसमें जो ग्लिसरीन है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और उसके साथ साथ आपके डार्क सर्कल्स को ख़त्म करती है। इधर हम ले लेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल। उनको इस तरीके से तोड़ के आपने ले लेना है। इधर हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर आपके पास ओरिजिनल हो, आपके सामने आपने उसको निकलवाया हो तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप मार्केट का यूज़ करें तो अच्छी कंपनी का यूज़ कीजिएगा। 1 टेबल स्पून ऑफ हनी, क्योंकि आँख जैसी चीज़ है, इसमें कोई भी बेएहतियाती मत कीजिएगा। इधर हम ले लेंगे 3 टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा। मैंने नेचुरल यूज़ किया है, लेकिन आप अगर मार्केट वाला करेंगे तो भी ठीक है, अगर आप नेचुरल करें तो भी ठीक है। अब इधर मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आपने ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 टेबल स्पून लेना है। अब इसको तकरीबन 10 मिनट तक आप मिक्स करेंगे। आपकी क्रीम रेडी। आप इसको ठंडा करके अपनी आंखों पे लगाइएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।